नईम शुजा भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। रात की इस महफिल में खुश आमदीद। मोहम्मद नईम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। चौधरी अरमगान हमें वॉच कर रहे हैं रात के इन लम्हों में। रफीक संधेलवी साहब हमें वॉच कर रहे हैं। जमाल नजामी हैं, अहमद जमाल नजामी। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, आपकी समातों की नज़र एक शेर। मुझे खबर है सितारा शनास हासिद हैं, ये मेरे हिजर को उम्रों पे टाल रखेंगे। अमजद बाबर साहब ने सबसे पहले तो वेलकम टू द शो एक शेर भेजा है। खुद पे जाहिर न किया, सबसे छुपाया मैंने, इश्क के भूत को आयत से जलाया मैंने। बहुत खूबसूरत शेर। जमाल नजामी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अशफाक अमर राना हमारे एक्स कुलीग ही हैं, अभी भी कुलीग ही हैं। आप जितनी भी आवाज़ें इश्तहारात में सुनते हैं फैसलाबाद की, वो अशफाक अमर राना की होती हैं। और जितने भी इश्तहार हैं केबल नेटवर्क पे जो चलते हैं, वो हमारे भाई अशफाक राना के। यार हमारा भी एक आध इश्तहार करवा दो अशफाक राना। एक आध ऐड हमें भी ले दो। हैं मोहम्मद हनीफ हमें वॉच कर रहे हैं, वेलकम टू द शो। अस्सलामु अलैकुम हनीफ साहब, क्या हाल है आपके? हाँ, इसका क्या मतलब है? तीन दिलों का क्या मतलब है? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके सामने बस आजकल करंटीना का मौसम है। अजमाल निजामी महफिल लगा लेते हैं और महफिल हंस लेते हैं। और पिछले दिनों नईम खान साहब कह रहे थे कि आप मुस्कुराते हैं, लगता है आपके दिल के अंदर गम बहुत ज़्यादा है। तो गम किसे नहीं है, तकलीफ़ें, कर्ब, गम, दुख, मुसीबतें। हाँ, आई लव यू अशफाक राना, आई लव यू। सैमा अली हमें वॉच कर रही हैं, अस्सलामु अलैकुम सैमा, क्या हाल है आपके? अशफाक राना, एक नज़म मैं आप तक सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। हैं मैं सुनाऊंगा, याद करें वो पहला प्रोग्राम जो हमने और आपने इकट्ठे किया था।
FM 101 से, रेडियो पाकिस्तान से। चलें, कभी कभी मेरे सामने आ गई है, कभी कभी, साहिर लुधियानवी की नज़्म है। साइमा अली पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है, डेडिकेशन टू साइमा अली। हनीफ साहब सुनिएगा, आमद जमाल निज़ामी के लिए भी नज़्म है, कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घोंट पी लेता, तेरे लबों से हलावत के घोंट पी लेता। हयात चीखती फिरती, बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजारों से। मोहीब साए मेरी सम्त बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादाए मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सैयद जावेद निसार हमारे बड़े भाईजान, मुझे नाम रोशन हो रहा है, नाम सामने आ रहा है, मुझे खुशी है कि आप वॉच कर रहे हैं, आपकी समातों के लिए भी। अहमद कमाल निज़ामी साहब हमें वॉच कर रहे हैं रात के इन लम्हों में। जमाल साहब कह रहे हैं हम तुम होंगे बादल होगा, याद है जनाब। बिल्कुल चलें, वसैम अली कह रही है कुछ गुनगुना के तरन्नम से हो जाए तो पहर गुनगुना उठेंगे। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे बादल होगा,
रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। किसने किया महमेज हवा को, किसने किया महमेज हवा को, किसने किया महमेज हवा को, शायद उनका आंचल होगा, शायद उनका आंचल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। वसल की शब और इतनी काली, वसल की शब और इतनी काली, वसल की शब और इतनी काली, उन आँखों में काजल होगा, उन आँखों में काजल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, रास्ता सारा दलदल होगा, रास्ता सारा दलदल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। क्या मिलना फारूक से लोगों, क्या मिलना फारूक से लोगों, क्या मिलना फारूक से लोगो, होगा कोई पागल होगा, होगा कोई पागल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझे गजल क्यों अच्छी लगती है। व्हेन आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ सिक्स क्लास, मैं लेबॉरेटरी स्कूल में पढ़ता था, मैं लेबॉरेटरी स्कूल में पढ़ता था, तो ये गजल जिसने टीवी पे गाई, मसूद मलक साहब ने, ये उस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, मैं सिक्स क्लास का स्टूडेंट था, तो हमारी इंस्टीट्यूशन में ये आए, हारमोनियम पे इन्होंने गज़ल गाई, हम तुम होंगे बादल होगा। मैं एफएम पे शो भी करता हूँ, गज़ल टाइम करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मसूद मलक ने बाद में टीवी पे ये गज़ल गाई और बहुत पॉपुलर हुई, बहुत पॉपुलर हुई। और ये जो शायर हैं फारूक रोखड़ी, तो दोनों के साथ किसी न किसी हवाले से कोई ताल्लुक। वाह 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 वाह, किसी ने आधी रात को मुझे जगा के हाथ से कहा कि फूल जड़ गए हैं सब हवा के हाथ से। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत शेर। मैं सुरैया अब्बास हमें वॉच कर रही हैं, साइमा अली शब बखैर करके, महफिल सजी है तो आप शब बखैर कर जाएं। गुले राबेल हमें वॉच कर रही हैं,
जमाल नज़ामी हैं, मसूद काजी साहब हैं, जावेद जुल्फकार साहब हैं, और कहते हैं जी नईम खान साहब कितने रंग हैं सर आपके, हाय हाय है, जितनी बातें अच्छी होंगी मेरी बातें अच्छी, जितनी बातें अच्छी होंगी मेरी बातें होंगी, जितने मौसम अच्छे होंगे मेरे मौसम होंगे। अच्छा जी, सगीर सैयद और जई वॉच करें, अशफाक कहते हैं जी सुबहान अल्लाह उस्ताद मोहतरम, लफ्ज़ लफ्ज़ मीठा लुत्फ आ गया, यूं लगा कि वहीं ऑन एयर हैं, आपके साथ बैठा आपको सुन रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक राना, अहमद कमाल नज़ामी साहब हमें, नईम शुजा हैं, सैयद जावेद निसार भाई जान हैं, और मोहम्मद हनीफ साहब हैं, ये अशफा अमजद बाबर साहब हैं, तो ये दोस्त हमें वॉच कर रहे हैं। सुरैया वास, आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगी ठीक ठाक होंगी। मौसम कैसा है? मौसम में खुनकी है, मौसम ठंडा ठंडा सा, मीठा मीठा। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि आपके कितने रंग हैं। आप यकीन माने, मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट था जब बुजुर्ग शहरों के अंदर बैठना शुरू हो गया। डॉक्टर सैयद आसन जैदी थे, अनवर महमूद खालिद थे, नादर जाजवी साहब थे, इकबाल शैदा साहब थे, तो इनके साथ उठना बैठना, ज़मीन पे बैठा करते थे। मैंने जो कुछ सीखा है मैंने ज़मीन पे बैठ के सीखा है, कोई एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं सीखा। तो उनकी बातें, उनकी सलीका मंदियाँ, उनकी गुफ्तगू, उनकी शाइस्तगी मुझे अच्छी तरह याद है। राना अब्दुल निसार साहब ने एक शेर भेजा है, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। बहुत खूबसूरत शेर है ये, किसका शेर है राना अब्दुल निसार? ये शेर किसका है? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। तो बात हो रही थी कि उनके साथ उठना बैठना, मौसीकी की महफिल भी सजती थी और शायरी तो होती ही थी। तो एक्टिविटी कैंटीन पे हम खुश किया करते थे अपने क्लास फेलोज़ को, मेज़ बजा के बीट करते थे उसकी मेज़ की, और फिर गाने सुनाया करते थे। और ये FSC में मैंने जब सुनाता था तो ये पॉपुलर थी। मेरे MA के, MPhil के, PhD के स्टूडेंट जो हैं, क्लास फेलो जो हैं, वो मुझे एक ही फरमाइश करते हैं, हम तुम होंगे बादल होगा रक्स में सारा जंगल होगा। तो ये पहचान बन गई हुई है, गाई तो वैसे मसूद मलिक साहब ने है, पहचान मेरी भी बन गई हुई है। तो बहरहाल आप कैसे हैं साहब दोस्त? आपके इलाकों का मौसम कैसा है? आप अपने इलाकों के मौसम के हवाले से हमें बताइए कि आप कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? मैं तो इन अशार को मौजूदा लॉकडाउन के तनाजुर से पढ़ा जाए, कोई रास्ता निकल भी सकता है यानी मंजर बदल भी सकता है। ऐसे एक मोड़ पर है अब किस्सा, रुक भी सकता है चल भी सकता है। रफीक संधेलवी साहब अच्छा, वाह 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 वाह, बाद में इसमें तब्दीली आई। फारूक रोखड़ी साहब ने, ये देखे ना किस तरह कुरेक्शन आती है। रफीक साहब मैंने एक कुरेक्शन करवानी है आपसे, मैं अभी बोलता हूँ। फारूक रोखड़ी ने ये गजल मुझे अपने एक खत में लिख कर भेजी थी, इस उसमें मतला यूं था, हम तुम होंगे बादल होगा जंगल में फिर मंगल होगा। वाह 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 वाह, मगर रफीक साहब रक्स का लफ्ज ज्यादा बेहतर यहां लगता है। हैं
मंगल निकाल दें। अच्छा जी मोहम्मद है इंशाल्लाह। सवात में साथ एक मैं भी बहुत बुड़बुड़ा कर हंसता हूं और मैं भी परिंदों की तरह उड़कर जिंदगी गुजार रहा हूं। बहुत अच्छी बात है परिंदों से दोस्ती, परिंदों की तरह उड़ाने भरना अच्छा लगता है। अच्छा रफीक सदरवी साहब एक क्वेश्चन, मैंने गजल गाता हूं अपने रेडियो शो में, वो सुना भी देता हूं, वो सुना भी देता हूं, इजाजत हो तो। इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है जी। गजल है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम जो डूबना है तू इतने सुकून से डूबो के आस पास की लहरों को भी पता ना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। अच्छा मैं बताने लगा था रफीक सदेलवी साहब, ये मैं हमेशा जब ऑन एयर करता गजल तो मैं कहता है हमारे दोस्त नजीर कैसर की लिखी हुई गजल। नज़ीर कैसर साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, बहुत सारे दो दफ़ा इंटरव्यू किया हुआ है, दो दफ़ा मैंने सवाल किया कि ये गज़ल आपकी है बड़ी पॉपुलर है तो आप बताइए, मैंने किसी और शायर के नाम से भी सुनी हुई है, मगर उन्होंने इसको अपने नाम से, कि वो खुल के बात नहीं करते, वहाँ लहजा बिल्कुल धीमा सा कर लेते हैं जैसे कानों तक आवाज़ भी नहीं पहुँचती, इंसिस्ट भी करें तो फिर चुप कर जाते हैं। ये मेरे ख्याल के मुताबिक नज़ीर कैसर साहब की गजल नहीं है, तो ये नज़ीर या कैसर कोई और साथ लगता है, ये उनकी गजल है और मगर पॉपुलर जो है नज़ीर कैसर साहब के नाम से हो गई हुई है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, मुझे बताइएगा जरूर, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। नज़ीर कैसर के दो शेर याद आ गए रफीक सदेलवी साहब, आप सब दोस्तों के लिए, कि खामशी अपनी अपनी होती है, खामशी अपनी अपनी होती है, शोर मिलकर मचाना पड़ता है, बारिशें खुद ब खुद नहीं आती, बारिशों को बुलाना पड़ता है, बारिशें खुद ब खुद नहीं आती, बारिशों को बुलाना पड़ता है। तो राना अब्दुल निसार साहब ने हमें लिख के भेजा है एक वो बात है, देखें जी कोटेशन, इंसान उम्मीदों से बंधा एक काबिले रहम परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों के साथ है।
नईम शुजा, ये दूसरी दूसरी लाइन, आजकल हो सके तो रहना, ये मुकम्मल लिख के भेजें जरा। मियाँ अमर हमें वॉच कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मियाँ अमर क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, महफिल लगी हुई है और लगा के बैठे हुए हैं। और सुनाएं क्या हाल हैं आपके? सगीर सैयद और जई हमें वॉच कर रहे हैं, इन्होंने क्या लिख के भेजा जी? ये गजल दादो जी ऑथेंटिसाइज हो गई। नज़ीर कैसर बहुत नफीस और रंगों से भरे हुए शायर हैं, ये गजल उनकी किताब में मौजूद है, रिकमेंडेड। रफीक साहब बोर ला गई आज से नज़ीर कैसर साहब की, तो जब भी क्वेश्चन करें मैं करता रहता हूं उनसे क्वेश्चन इस बात के, वो दूसरे शायर का नाम ही नहीं सुनना चाहते, यानी कि वो बड़े वजन डाल के कहते हैं मेरी है गजल, वाकई उनकी है। तो रफीक संदेलवी साहब हमें दो शेर आप भेजते हैं ताकि हम पढ़ के हम कहेंगे रफीक संदेलवी साहब हमारी महफिल में थे। सैयद खावर आबाज हमें वॉच कर रहे हैं रात के इन लम्हों में, और मियाँ अमर आप भी हमें कोई शेर लिख के भेजें। रफीक साहब आपके लिए मैं कोई नज़्म ढूंढता हूँ, और बड़ी मारूफ ज़माना नज़्म है मुनीर नियाज़ी की, मुनीर नियाज़ी की, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत दहरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। मुनीर रियाजी की मशहूर जमाना नज्म, हर रफीक संदेलवी साहब आपने भी मुशायरे पढ़े होंगे मुनीर रियाजी साहब के साथ, हर मुशायरे में ये वो लाजमी सुनाते थे नज्म, तरंग में होते थे और नज़्म लाजमी सुनाते थे। रफीक संदेलवी साहब ने नज़्म भेजी है, ये दिन एक गहरा कुआं है, ये दिन अपने प्यारों की कब्रों पे रोने का दिन है, ये दिन गर्द आलूद चेहरों को अश्कों से धोने का दिन है,
ये दिन एक गहरा कुआं है, महो साल की कोई साथ, फना के तलिस्मे हवादस से वाकिफ कहां है, उसे क्या खबर है कि ये दिन कफस है, किसी कारवाने तमन्ना से बिछड़ी हुई एक सदाए जरस है, ये दिन नातवा पुश्त पर जिस्म का बोझ ढोने का दिन है, ये दिन अपने प्यारों की कब्रों पे रोने का दिन है, ये दिन काफिला है जो फुरकत की लंबी तनाबों को थामे हुए चल रहा है, इसी दिन के पत्थर में एक किरम के आरजू पल रहा है, इसी दिन से कुछ दूर अगले ही दिन की मुसाफत पे फिर एक नया सिलसिला है, ये दिन पिंडलियों और रानों में नेजों को पेवस्त करने का दिन है, ये दिन कल्ब को और भी सख्त करने का दिन है, ये दिन एक अकूबत कदा है, ये दिन ऐसा दिन है जो सारे दिनों से जुदा है। जिस बहुत खूबसूरत नज्म, बहुत खूबसूरत नज्म, ये दिन एक गहरा कुआं है। रफीक संदेलवी साहब, क्योंकि मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई, कोई लफ्स हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब हमें वॉच कर रहे हैं रात के इन लम्हों में। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। शुमैला सुलेमान हैं, शुक्रिया 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 रफीक संदेलवी साहब, शुक्रिया सर, शुक्रिया, आई लव यू, आई लव यू। रफीक संदेलवी साहब, मैं एक बात करता हूँ, मुझे 18 साल हो गए रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुए, वहाँ सिर्फ यही तलफ़ुज़ सीखा है, लफ्ज़ों से मोहब्बत करना सीखा है, लफ्ज़ों से प्यार करना सीखा है, लफ्ज़ों की दुनिया में रहना सीखा है, लफ्ज़ों की ज़ेरें सीखी हैं, लफ्ज़ों की ज़बरें सीखी हैं, और क्या कहते हैं, लफ्ज़ों का बर्ताव सीखा है, कौमें कहाँ होते हैं, सख्ते कहाँ होते हैं, जेरें कहाँ होती हैं, जबरें कहाँ होती हैं, कौन इन चीखते लफ्जों की सदा सुनता है, कौन इन चीखते लफ्जों की सदा सुनता है जो किताबों में दबे रहते हैं मलबों की तरह। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। लफ्जों के अपने कब्रिस्तान होते हैं, लफ्जों के अपने सख्ते होते हैं, लफ्जों के अपने गार्ड होते हैं, लफ्जों के अपने, मेरी एक नज्म है, मैं उनके टुकड़े करके सुना रहा हूं, लफ्जों के स्टेशन होते हैं, आय हाय हाय, लफ्ज जीते भी हैं, लफ्ज जागते भी हैं, लफ्ज सोते भी हैं, लफ्ज रवानी में रहते हैं, लफ्ज कहानी में रहते हैं, लफ्ज फसाने में रहते हैं। अब लफ्जों के बारे में क्या क्या मैं बताऊं, कादरी साहब ने भी एक मजमून लिखा हुआ है लफ्ज के अनुमान से, तो बहरहाल ये जो लाइफ है रेडियो की, आजकल तलफ़ुज पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, मगर ये एक मेरी ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरत इजाफा है कि मैंने रेडियो में रह के
क्योंकि मैं डरता हूँ प्रोग्राम करते हुए, मेरे शागिर्द सुनते हैं, मेरे उस्ताद सुनते हैं, शायर सुनते हैं, अदीब सुनते हैं, रेडियो के ड्यूटी ऑफिसर सुनते हैं, तो मैं डरता हूँ अगर गलत लफ्ज़ मेरी वजह से पहुँच गया कोई। रफीक सिद्धरवी साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और नज़्म सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, एक तो मुझे याद हो जाती हैं, फिर क्या कहते हैं, हाय 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 हाय। कादरी साहब आप भी सुनिएगा, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, रफ़ीक सिंधरवी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, दोस्त भी हैं, और इस वक्त वॉच कर रहे हैं हाफिज़ लुधियानवी के ऊपर, इन्होंने PhD किया हुआ है। नून मीम राशिद, नज्म का टाइटल है रक्स। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं। डर से लर्जा हूं कहीं ऐसा ना हो, रक्स गए के चोर दरवाजे से आकर जिंदगी ढूंढ ले मुझको, निशान पा ले मेरा। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं। डर से लर्जा हूं कहीं ऐसा ना हो, रक्स कहे के चोर दरवाजे से आकर जिंदगी ढूंढ ले मुझको, निशान पा ले मेरा, और जुर्मे ऐश करते देख ले, और जुर्मे ऐश करते देख ले। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, रक्स की ये गर्दशें एक मुबहम मासिया के दौर में, कैसी सरगर्मी से गम को रौंदता जाता हूं मैं। जी मैं कहता हूं कि हाँ, जी मैं कहता हूं कि हाँ, रक्स गए मैं जिंदगी के झांकने से पेशतर, कुलफतों का संग रेजा एक भी रहने ना पाए। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, जिंदगी मेरे लिए एक खूनी भेड़िए से कम नहीं। ऐ हसीनो अजनबी औरत, इसी के डर से मैं हो रहा हूं लम्हा लम्हा और भी तेरे करीब। जानता हूं तू मेरी जान भी नहीं, तुझसे मिलने का फिर इम्कान भी नहीं। तू मेरी उन आरजुओं की मगर तमसील है, जो रही मुझसे गुरेजा आज तक। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, एहदे पारीना का मैं इंसान नहीं, बंदगी से इस दरो दीवार की हो चुकी हैं खाशें, बे सोजो रंगो नातवां, जिस्म से तेरे लिपट सकता नहीं, जिंदगी पर मैं झपट सकता नहीं, इसलिए अब थाम ले।